ओम शांति। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने समय प्रमाण हम ब्राह्मणों के लिए विशेष संदेश दिया। बाबा कहते सावधान, माया अभी पूर्ण रूपेण पराजित नहीं हुई है, उसके कुछ अज्ञात आघातों की आहट अभी भी बारंबार सुनाई दे रही है। उधर मानवीय खनन से आक्रोशित प्रकृति भी अपने पांचों तत्व रूपी पुत्रों के साथ इस ताक में घात लगाए बैठी है कि कब मैं मानवता के किसी बड़े भूभाग को तहस नहस कर दूं। अनिश्चितता, अनिंद्रा, भय और घबराहट के इस माहौल में जिंदगी का सफर दिनों दिन धोखेबाजी, आकस्मिक दुर्घटनाओं, हृदय घातों, चोरी और हेराफेरी जैसी दुखद घटनाओं से भरता जा रहा है। अब समय नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे परमात्मा पिता की सर्व भविष्यवाणियां प्रत्यक्ष होती दिखाई देने लगेंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, हे परमात्म प्रिय आत्माओं, जगत पिता जगत नियंता परम पिता परमात्मा शिव निराकार होते हुए भी वर्तमान समय संपूर्ण मानव जाति को विभिन्न आपदाओं, विपदाओं, विपत्तियों, बीमारियों और प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने के लिए स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर सभी आत्मा रूपी बच्चों को अपने पावन प्रेम की अविरल धारा से नहला रहे हैं। उनके इस निस्वार्थ स्नेह की सुखद सरिता में नहाकर हम सब आत्माएं निरंतर पतित से पावन अर्थात काले से गोरे और रंक से राजा अथवा मनुष्य से देवता अर्थात रोगी भोगी और ढोंगी से बदलकर सहज राजयोगी बनते जा रहे हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब हम प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा द्वारा दिखाए गए सहज राजमार्ग पर चलते हुए अपने खोए हुए देवीय स्वराज्य को पुनः प्राप्त कर ही लेंगे। अभी वर्तमान समय हम देख रहे हैं, चारों ओर प्रकृति का विकराल रूप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रकृति के प्रकोप जैसे निरंतर गति लेते जा रहे हैं, ऐसे ही तीव्र गति से हम बच्चों को भी बाबा तीव्र पुरुषार्थ करने की श्रीमत देते हैं। चारों ओर युद्ध है, अशांति है, दुख है, भय है, पीड़ा है। तो ऐसे समय में जो स्वयं भगवान पिता परमात्मा के बच्चे शिव कल्याणकारी पिता के मददगार बच्चे शालिग्राम हैं, वे अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को सदा स्मृति में रखकर हर दुखी अशांत आत्मा को, भयभीत रोगी आत्मा को परमात्मा से प्राप्त खजानों का दान देते रहेंगे। इसीलिए स्वयं भगवान कहते हैं, स्वमान में रहकर हर आत्मा को सम्मान दो। अब समय परोपकार की भावना से संपन्न रहकर अपकारियों पर भी उपकार करने का है। तो दिन में कोई भी श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ और हर आत्मा के प्रति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति को
रूहानी बनाओ, हर आत्मा के प्रति कल्याणकारी भावना हो, शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर रहकर श्रेष्ठ चिंतन चलेगा, तभी शुभ चिंतक बन सकेंगे। जो शुभ चिंतक बनेंगे वे ही स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो अब ऐसे समय में आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी मिलकर सहज व स्पष्ट ईश्वरीय इशारों पर चलकर अपने लिए एक सुखमय संसार की पुनः स्थापना करें। तो आइए अब हम सभी पुनः परमात्म प्यार की उस मधुर मंदाकिनी में बहकर अपने जन्म जन्मांतर के सभी पापों दुखों और सभी रोगों संतापों से सदा के लिए मुक्ति पालें, क्योंकि इस अविरल अतः अनंत और अनवरत बहती पावन पुनीत गंगा में बहने का वक्त अब पूरा होने का ही है। अब स्वयं भगवान कहते हैं अब घर जाना है, तो जैसे जैसे घर जाने का समय नजदीक आता जाता आत्मा और परमात्मा के महामिलन की ये मंगल घड़ियां और ये पुनीत पल कब और कैसे गुजर गए कुछ पता ही ना चला, परंतु अब इस अघात गाथा में अर्थात प्रभु मिलन की इस करुणा कथा में हम सभी एक ऐसे निष्ठुर निर्दयी और अपरिवर्तनीय मोड़ पर आ पहुंचे हैं, जहां से हम सभी एक दूसरे से फिर से अनंत काल के लिए बिछड़ जाएंगे। तो आइए एक बार फिर से बाप दादा द्वारा बताए गए स्वमानों की सीट पर सेट हो जाएं। बाबा ने जो राजयोग की श्रेष्ठ ज्ञान की धारा बहाई है उस धारा में बहकर स्वयं को 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक डबल ताजधारी बना लें। जितना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, जितना बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म में आएंगे, जितना बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे, उतना स्वयं को संपूर्ण संपन्न भरपूर अनुभव करेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या की सीट पर सेट होकर हर आत्मा की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने के निमित्त बन सकेंगे। अब समय है बाबा के घर जाने का। हम सब बच्चों को भी बाबा के साथ घर जाना है। ऐसा ना हो कि जब अंत समय हो और हम खून के आंसू बहाएं, हम पछतावा करें। प्राप्ति स्वरूप होकर बाबा के साथ साथी बनकर जाने के बजाय अप्राप्ति स्वरूप होकर दुख अशांति और भय चिंता में डूबे रहें, धर्म राज की सजाएं खाते रहें। ऐसे हम बच्चों से बाबा नहीं चाहते। बाबा की एक ही आस है, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा हो, संपूर्ण संपन्न भरपूर होकर मेरे साथ अपने घर जाए। तो ऐसे संपूर्ण संपन्न बनने के लिए बाबा कहते स्वमान की सीट पर सेट होकर हर आत्मा को सम्मान दो, अपकारियों पर भी उपकार करो।
अच्छा, ओम शांति।